अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो हम रेडी हो गए हैं और चाय पी रहे हैं। आज कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अच्छी सी सुबह है, मौसम साफ लग रहा है, बारिश नहीं हुई है कल से, तो शायद अब ना हो, पता नहीं। चाय खत्म कर लें, अभी तो बहुत चाय बची है, गरम गरम चाय है, थोड़ा टाइम लगेगा पीने में, फिर निकलते हैं। चलिए जी, हो गया टाइम जॉब पर जाने का, निकलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। उसके लिए एक कढ़ाई में तेल डाला है, उसमें खड़ा गरम मसाला डालकर हमने प्याज को डाल दिया है, जो बहुत ही महीन चॉप की हुई थी। और जब प्याज हल्की लाल हो जाएगी, उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई हल्दी, मिर्चा, धनिया 3 चम्मच पिसा हुआ, और 1 चम्मच नमक। नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। और इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें इसकी स्मेल ना चले जाए या इसका तेल एकदम बाहर ना आ जाए, जिससे पता लगे। हाँ, ये देखिए, एकदम बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है। अब हमने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डालकर अब इस मसाले को हम फिर से बहुत अच्छे से भूनेंगे। जब ये टमाटर और मसाला भुन जाएगा, उसमें हम 1/2 कटोरी दही मिलाकर फिर से इस मसाले को हम खूब अच्छे से भूनेंगे। मसाला भुनने के बाद हमने डाल दिया है इसमें 3-4 हरा मिर्चा, ताकि उसका फ्लेवर इन मसालों में आ जाए। और ये हमने फ्रोज़न मटर लिए हैं। फिर मसाला भुनने के बाद ये फ्रोज़न मटर डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे और ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे, और पनीर डालते वक्त हमने रेसिपी शूट नहीं करी है। ये देखिए, यहाँ पर मेरा लंच बॉक्स तैयार है। एक लंच बॉक्स में मटर पनीर की सब्ज़ी है, सैलड है, और सेब एक रखा है। बाकी वही स्पून और नैपकिन के साथ रखेंगे, और एक मल्टीग्रेन की रोटी है जो एल्युमिनियम फॉइल में अच्छे से रैप करके हमने रख दी है। तो बस अब हम जो है इसको अपनी टिफ़िन में रख लेंगे। मेरा आज का टिफ़िन ये एकदम रेडी है, सारे बॉक्स एक एक करके रख लेंगे। ऊपर रोटी रखेंगे और साइड में वही हम अपना स्पून और नैपकिन रखेंगे। बस अपना बॉक्स, लंच बॉक्स बंद करते हैं और चलिए, रेडी हो गया। आ गए हैं घर, चलते हैं ऊपर। कौआ बोल रहा है, लग रहा है मेहमान आएगा। अब रोड पे बोल रहा है, मेरे घर में बोल रहा है, ये नहीं पता। तो चलिए जी, चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद इतनी ज़्यादा धूप निकली है और अच्छा लग रहा है, एकदम चमकदार सी धूप निकली है। चलिए मिलते हैं। तो शाम हो गई है, सोकर उठ गए हैं और जा रहे थे चाय बनाने, तो देखा मगरिब की अजानें हो रही हैं। मतलब अब जो है 6:45 मगरिब की अजानें जो हैं वो होने लगती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। सर्दियां आने वाली हैं बहुत जल्दी। हाँ, अक्टूबर तो चल ही रहा है, क्या है, आज 11 तारीख हो गई है, तो अब तो सर्दियां नवंबर से, तो 15 नवंबर से तो सब कहते ही हैं हाँ सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, और दिवाली बाद तो होने लगती हैं अच्छे से ही। तो बस अब गर्मियों के कपड़े रखो और सर्दियों के कपड़े निकालो। हम लोग तो हर सीज़न के हिसाब से ही कपड़े अपने निकालते रखते हैं। तो चलिए, जा रहे हैं चाय बनाने, मिलते हैं।
तो बस शाम की चाय और खाने की तैयारी हो रही है। ये बन रही है यहाँ चाय, और ऐसे ही स्नैक्स के लिए बना रहे थे मखाने। तो बस चाय निकालते हैं और पीते पीते आप लोगों से मिलते हैं। हर चीज़ एक क्लिक पे है। ऑनलाइन ने ज़िंदगी सबकी बड़ी आसान सी कर दी है। हमने कुछ मंगाया था तो वो स्विगी जिनी से भेजा है, वो आ गया है। अभी बच्चे का फ़ोन आया था, लड़के का, कि हम आ गए हैं, नीचे हैं, आके ले लीजिए। तो वही हमने कहा आपको बताएं कि मतलब लखनऊ टू लखनऊ, मतलब यहीं का यहीं है। स्विगी जिनी जो है वो तो पता ही है कि हाँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, मतलब उन सब से मंगाओ तो अलग ही है, लेकिन लखनऊ टू लखनऊ ये बड़ा अच्छा सक्सेसफुल है। काफ़ी सामान हम लोग उससे मंगाते हैं और भेजते भी हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ भैया, थैंक यू। हाँ, चेक कर रहे हैं। फिर मिल गया है हमारा पार्सल, पैकेट रिसीव कर लिया है। तो हमने मंगाया है ये लहरिया दुपट्टा। ये लखनऊ की बड़ी खासियत है, खास चीज है, कि जैसे लखनऊ के टुंडे के कबाब पराठे हैं उसी तरह। और ये सावन के महीने में या गर्मियों में पहना जाता है। पहले हम भी कलर हमने भी कई बार किया है और बड़ा खूबसूरत दुपट्टा है। तो ये कहीं मिल नहीं रहा था, तो किसी से बोला, मतलब जो ये बनाती उनसे बोला, खैर उन्होंने फाइनली ये भेज दिया है। थैंक यू शी पापा, थैंक यू सो मच, मिल गया है। तो अब देखते हैं, कोई मेरा प्लेन कलर का सूट होगा उस पर पहनेंगे, या कोई सूट बनवाएंगे इसमें से किसी कलर का, कैसा दुपट्टा है, ये तो सस्पेंस है। तो सस्पेंस तभी रिवील होगा जब मेरा सूट बनेगा इसका, जब हम पहन के आपको दिखाएंगे। तब तक वेट एंड वेट। जा रहे हैं, थोड़ा काम है। काम क्या है, हमें अपनी गाड़ी में, एक्टिवा में पेट्रोल भरवाना है। और साथ में 2-3 दिन पहले हवा भरवाई थी, तब उसने कहा था कि पंचर है, तो 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज जा रहे हैं पंचर बनवाने और हवा भरवाने, और भी छोटा मोटा थोड़ा सामान लेना है वो भी ले लेंगे जब तक वो गाड़ी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं बन जाए। अभी 6 बजा है, एकदम अंधेरा हो गया है, सर्दियां आ गई हैं। तो वापस आ गए हैं, बन गई है गाड़ी। 3 जगह उसमें जो है पंचर था, और ट्यूबलेस टायर होने के बड़े फायदे हैं। 3-4 दिन से देखिए वो पंचर थी गाड़ी, लेकिन अच्छे से चल रही थी। आज तो वो हमें याद आया, हमने कहा चलो, क्योंकि पेट्रोल सुबह में भरवाओ तो बड़ा टाइम हो जाता है, तो इसीलिए बस हमने कहा अभी भरवा लेते, ये ज्यादा सही है। तो चलिए घर पहुंच गए हैं। तो खाने के बाद, यानी डिनर के बाद वाली चाय काफी ज्यादा हो गई है। मजा आ गया। और देख रहे हैं बिग बॉस, ये देखिए। बिग बॉस से डांट पड़ रही है, डांट खूब पड़ती है बिग बॉस से। ये बड़ा मजा आता है, बहुत बढ़िया गेम होता है। सबसे अच्छा तो होता है सैटरडे संडे वाला, जब सलमान खान आता है। और देखिए, हम एक तरफ 3, एक तरफ 2 पहनकर हर जगह घूम रहे हैं। स्कूल में तो कई बार सबने कहा, अरे मैम आपका जो है बुंदा गिर गया, आपका टॉप्स गिर गया। हमने कहा नहीं, वो बंद हो गया है, और काफ़ी टाइम से मतलब पहन ही नहीं रहे थे, तो
बस अब शायद कभी निकलेंगे तो एक और सही करवा लें इसमें, तब तक 3 और 2। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक तो कर दिया करिए। ना लाइक करने में पैसा लगता है, ना शेयर करने में पैसा लगता है और ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। तो फ्री में हो रहा है, कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।